स्कंद पुराण में तीर्थों का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण के अंदर, एक एक तीर्थ का अलग अलग वर्णन स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। महाराज भारत की भूमि पर चार धाम हैं, उस चार धाम में से तीन धाम में चावल जाता है। महाराज बस चावल के साथ में एक एक वस्तु चेंज हो जाती है। बद्रीनाथ में चावल जाता है, बद्री विशाल में भगवान को जो भोग लगता है वो केसरिया भात का लगता है। महाराज आप जब कभी बद्रीनाथ दर्शन करने जाएं तो बद्रीनाथ में दो चीजें जरूर लेकर जाएं, एक श्वेत पोटली सफेद पोटली में चावल, और दूसरी घर से जाएं तो थोड़ी सी सात मुट्ठी चने की दाल। बद्री विशाल में दो चीजें जा रही है, चावल तो चार धाम में से तीन धाम में चावल जाता है। तो पहला बद्री विशाल में अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो अपने घर से भगवान के लिए अगर कुछ लेकर जा रहे हैं तो तंदूर लेकर जाए, चावल साथ में चने की दाल। दूसरा द्वारका, द्वारका में भी द्वारका और भेट द्वारका, द्वारकापुरी में जब चावल लेकर जाएं तो द्वारकापुरी में चावल के साथ में महाराज मुद्रा जाती है। मुद्रा मतलब कोई भी एक सिक्का डाल लो, रुपया एक डाल लो, दो रुपया डाल लो, पर नोट नहीं डलेगा, केवल कॉइन सिक्का। सिक्का डाल लो, ये द्वारका की बात है। और भेंट द्वारका में जो चावल दिया जाता है वहां केवल 11 मुट्ठी चावल का जाना है। यहां द्वारका में आप कितना भी चावल दें उससे कोई मतलब नहीं है कि आप ज्यादा दें कि कम दें, पर तो भेंट द्वारका में 11 मुट्ठी चावल, 11 मुट्ठी चावल का स्मरण भेंट द्वारका में। महाराज भेंट द्वारका में जो चावल जाता है 11 मुट्ठी, वो लाल वस्त्र में जाता है, श्वेत वस्त्र में नहीं जाता भेंट द्वारका में। और आप द्वारका जी में दूध दें, सफेद वस्त्र में दें, पीले में दें, तुम्हारी मर्जी हो वस्त्र में दें ना दें, ये आपके ऊपर, वो आपका मन, पर भेंट द्वारका में जो चावल जाता है वो लाल वस्त्र में जाता है। तीसरा जगन्नाथपुरी में भी चावल का दान होता है, जगदीश में भी चावल, पर जगन्नाथपुरी में जो चावल जाता है उस चावल के साथ में श्रीफल, वो भी जल भरा हुआ नारियल जो होता है पानी भरा हुआ, वो जगन्नाथपुरी में चावल के साथ में दे देना चाहिए। अब तीनों जगह का भाव समझ लीजिए फिर चौथी जगह पहुंचे। बद्रीनाथ में जो तुमने चावल दिया वो क्यों दिया? महाराज भगवान शंकर ने काल भैरव को बुलाकर ब्रह्मा जी का सिर कटवाया था, वो ब्रह्मा जी का सिर भगवान शंकर के हाथ में जाकर चिपक गया। जब ब्रह्मा का सिर भगवान शंकर के हाथ में जाकर चिपका तब भगवान शंकर ने उसी समय पर चंद्रदेव आदि आदि के देवताओं से पूछा, ये हस्त के निकले कैसे? भगवान शंकर ने जब बद्री विशाल में पहुंचे, निज निवास पर पहुंचे, तो शंकर भगवान के हाथ से वो शीश ब्रह्मा का नीचे गिर गए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में ब्रह्म कपाली बद्री नारायण में होती है, क्योंकि वह ब्रह्मा का सिर गिरा था। भगवान शंकर ने उसी समय पर ब्रह्मा जी को वर प्रदान करा, हे ब्रह्मदेव आपका शीश इस बद्रीश में गिरा है, यहां पर ब्रह्म कपाली का भाव रहेगा, कोई अपने पूर्वजों के लिए 7 पीढ़ी 11 पीढ़ी 21 पीढ़ी में भी अगर यहां ब्रह्म कपाली नहीं कर गया, अगर एक अक्षत का दाना भी, चावल का एक दाना भी अगर बद्रीश के मंदिर में पहुंचेगा, अलकनंदा को पार कर कोई बद्रीश को जाएगा, इसलिए आज भी बद्रीनारायण अलकनंदा के पार बनाने को, बद्रीनाथ का मंदिर इधर हो जाता पर अलकनंदा के पार क्यों? क्योंकि अलकनंदा को पार कर जो बद्रीश पर चावल का भाग दान करता है महाराज,
तो जैसे अलकनंदा हम पार होते हैं चावल लेकर, वैसी हमारी कई पीढ़ियां बिना पिंड के पार हो जाती है, कई पीढ़ियां बिना पिंड के। बद्रीश का भाव, द्वारकाधीश का भाव, शास्त्र वर्णन करता है चावल का जो भाव कह गया, और बद्रीनाथ में जो अपन ने चने की दाल चढ़ाई है वो शंकर के भाव से चढ़ाई, क्योंकि ये बद्रीनाथ की जो भूमि है ये शिव की भूमि है। आपको पहले भी कथा में कहा शिवपुराण में, ये शंकर का घर था, लक्ष्मी जी को पसंद आ गया था इसलिए दे दिया गया। तो चने की दाल हम शंकर के भाव से समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने की। चौथा स्थान, ये तीन स्थान पर चावल का दान है, और चौथा स्थान है रामेश्वरम जहां जल का दान होता है। मारा गंगा जल लेकर जाओ, भले एक डब्बी में लेकर जाओ, थोड़ा सा लेकर जाओ, पर रामेश्वरम में जल का दान कर करो। महाराज ये तीर्थ ऐसे हैं जहां दान की महत्वता की सिद्धता प्राप्त हो। और एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा उतार कर रखो, कभी कोई नदी के घाट पर कोई तीर्थ बसाओ, यमुना जी के घाट पर मथुरा, सरयू जी के घाट पर अयोध्या, हरिद्वार, जो घाट पर तीर्थ बसा हो वहां पर दीप का दान अवश्य करें। बिना दीप के दान के कभी मत आना, भले कार्तिक हो ना हो, कोई सा तो महीना होगा। हमारे हिंदू धर्म में जो सारे महीने बनाए गए भगवान शंकर ने बनाए, सभी श्रेष्ठ हैं, तो वहां दीप का दान जरूर करना चाहिए। कोई दान करो ना करो, पर दीप दान जरूर करो उस नदी के।